नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राष्ट्रवादी कवि स्वश्री विष्णु प्रसाद जोशी अंशु जी की एक कविता जिसका शीर्षक है क्यों पानी को तरसाओ। रचयिता राष्ट्रवादी कवि स्वश्री विष्णु प्रसाद जोशी। अंशु मत पानी को तरसाओ, सूखा सूखा यह सावन है, दिखती बदरी मन भावन है, टकटकी लगाकर देख रहे नैनों की भाषा पावन है। अब के सावन यूं बीत रहा, सुना सुना संगीत रहा, झूलों की डोरी बंधी नहीं, अनमना मेरा मन मीत रहा। बिजुरी नम में चमकाती है, बदरी भी गरज लगाती है, किंतु पवन के झोंकों से आती वर्षा टल जाती है। संदेह समय से पहले ही अपनी धाक जमाता है, सूखे कूपों में उतर उतर सबका सुख डूबा जाता है। आशा पनिहारिन गगरी से पनघट पर आकर बैठ गई, सुख पनघट को देख देख नैराश्य गगन में बैठ गई, पान पस आतप यूं झुलसा झुलस गया, प्राण प्राण प्यासा रह उलझा उलझ गया। कैसा मन भावन सावन होता था, क्या मन मस्ती में खोता था, अब उसी प्राण की पड़ी हुई जो प्राण सृजन में खोता था। हे रचना कर हे जगदीश्वर, ये प्राण पखेरु आते हैं, गंगा जल की कुछ बूंदों से जो प्राण सहज तर जाते हैं, रचना धर्म छोड़ दो अपना, इति श्री का शंखा बजाओ। कैसे परमेश्वर बने हुए, क्यों पानी को तरसाओ, तुम क्यों पानी को तरसाओ।